तो ये देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू वैक्यूम इज गिवन, मतलब ये वाली जो है इलेक्ट्रिक वेक्टर है और ये वाली जो चीज़ है वो मैग्नेटिक वेक्टर है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर टू, और ये क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्चुएट करता है, हम सबको पता है। ठीक है, तो ये कहते हैं करेक्ट रिलेशन बिटवीन ई नॉट एंड बी नॉट। अब देखो ई नॉट और बी नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है भाई वैक्यूम में, सी होती है, लाइट की स्पीड के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ई नॉट अपन बी नॉट। तो ये तो हम सबको पता है कि ई नॉट अपन बी नॉट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इसी स्पीड को मैं लिख सकता हूँ, अगेन स्पीड हम पढ़े हैं कि किसी भी ट्रांसवर्सल वेव की इस फॉर्म में अगर स्पीड भी है तो उस स्पीड की वैल्यू ओमेगा अपन प्रोपोगेशन कांस्टेंट की होता है, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा अपन के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो भी को सी से रिप्लेस करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, तो ई नॉट बी नॉट बराबर होगा ओमेगा अपन के। इसका मतलब ये हुआ कि के मल्टीप्लाइड बाई ई नॉट बराबर होगा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई बी नॉट। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये ई नॉट और मल्टीप्लाइड बाई बी नॉट ओमेगा अपन के, तो ये वाली जो चीज़ है ये सब कैंसिल हो गया और ये जो चीज़ है वो सही हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।